HBO की मकबूल तरीन फैंटेसी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की मरकजी किरदार कलेसी को निभाने वाली अदाकारा एमिलिया क्लार्क ने इंकशाफ किया है कि नई फिल्मों के प्रोड्यूसर्स की जानिब से उन्हें बरहना मनाजर की अक्सबंदी कराने के लिए मजबूर किया जाता है। हालिया इंटरव्यू में उबरू अदाकारा का कहना था कि फिल्मी सनत में कई सालों से काम करने के बाद वो जानती हैं कि ऐसे हदायतकारों को कैसे खामोश कराना है। उन्होंने कहा कि अक्सर हदायतकारों की जानिब से कहा जाता है कि आप ऐसे मनाजर की अक्सबंदी ना करा के अपने गेम ऑफ थ्रोन्स के को मायूस कर रही हैं। उनका कहना था कि बरहना मनाजर के लिए मजबूर किए जाने पर मैंने फिल्मों के सेट्स पर हिदायतकारों से लड़ाई भी की है। गेम ऑफ थ्रोन्स में बोल्ड सीन्स के हवाले से उनका कहना था कि स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि इस ड्रामे में कई बरहना मनाजर की भी अक्सबंदी की जाएगी। एमिलिया ने सीजन 1 के दौरान इनके शोहर का किरदार निभाने वाले मारूफ अदाकार जेसन मामवा का जिक्र करते हुए कहा कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे जेसन के साथ अदाकारी करने का मौका मिला। कॉल ड्रोगो का किरदार निभाने वाले जेसन मामवा के साथ जिंसी मनाजर की अक्सबंदी कराने के हवाले से उनका कहना था कि जेसन ने मुझे समझाया कि स्क्रिप्ट की डिमांड को पूरा करने के लिए ऐसे सीन्स करने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि ड्रामा स्कूल से पास होने के फौरी बाद ही उन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स की पेशकश हो गई थी। इस जमन में एमिलिया का कहना था कि स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे बहुत रोना आया, ताहम मैंने अपने दिल को मजबूत करते हुए समझाया कि ये मेरा काम है और इसे मैंने बखूबी निभाना है।